भाषा, रंग, जात, मजहब, रीति रिवाज, इंसानों ने अपने कोमल हृदय में ऐसी न जाने कितनी दीवारें बना डाली, और जितनी जितनी ये दीवारें बढ़ती गईं, दूरियां बढ़ती गईं, तकरारें बढ़ती गईं, इंसान इंसान से दूर होता गया और विकृत होता गया समाज का रूप। दुनिया में इतनी तकरारें न होती गर दिलों में नफरत की दीवारें न होती। आज नफरत वैर की इन्हीं दीवारों को तोड़कर प्रेम का पुल बना रहे हैं अमन प्रेम के मसीहा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, और इसका जीवंत उदाहरण देखने को मिला महाराष्ट्र के 49वें निरंकारी संत समागम में, जो 22, 23 व 24 जनवरी 2016 को नवी मुंबई के खारघर के मैदान में आयोजित किया गया। इस समागम में देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त हृदय में प्रेम मिलवर्तन के भाव और सतगुरु दर्शन की ललक संजोए चले आए थे। बाईस जनवरी को समागम के पहले दिन की शुरुआत हुई शोभा यात्रा से, जो मानवता के उत्सव का प्रतीक लग रही थी। प्रेम मिलवर्तन और एकत्व का उभरता जीवंत दृश्य देखकर यूं लगता था मानो वैर नफरत की सभी दीवारें ढह गई और प्रेम के पुल बन गए, जो एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ रहे थे। जैसे जैसे खुशियों का ये कारवां आगे बढ़ रहा था, नाचते गाते भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। हुजूर बाबा जी के पावन मुखड़े पर सजी मधुर मधुर मुस्कान श्रद्धालु भक्तों के हृदय में आनंद के रंग भर रही थी। अलग अलग रंग बिरंगी वेशभूषा और देश के कोने कोने की मनमोहक संस्कृति से सजी भक्तों की टोलियां लंबी लंबी कतारों में हर्षित जनसमूह अपने सतगुरु का अभिनंदन कर रहे थे। धीरे धीरे ये शोभा यात्रा समागम के मुख्य द्वार पर पहुंची। जहां हजारों की संख्या में मानवता का समूह नैनों में सतगुरु दर्शन की आस लिए प्रतीक्षा कर रहा था। मधुर मधुर स्वागत गान की मंगलमय स्वर लहरियों के बीच हुजूर बाबा जी का सत्संग पंडाल में आगमन हुआ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वंदना है।
मुख्य मंच पर विराजमान होने के पश्चात सत्संग का शुभ आरंभ करते हुए कृपा निधान सद्गुरु ने मानवता के नाम अपने संदेश में कहा, सत्संग जी प्रेम से कहना, असंगत आज महाराष्ट्र के 49वें संत समागम पर आप सभी यहाँ नवी मुंबई खारघर के इन मैदानों में उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर करीब एक वर्ष पहले भी ऐसा ही भव्य रूप बना था। 48वें संत समागम के अवसर पर और आप सभी महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों, गांव, कस्बों से, खेड़ों से चलकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक मानवता, इंसानियत का पैगाम लिए हुए संसार में जो आज इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां हो चुकी हैं, इन दूरियों को समाप्त करके भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए अमन शांति के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करने के लिए आप सभी संसार को ये योगदान दे रहे हैं। और सभी महात्माओं, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने युगों युगों से यही पाठ इंसान को पढ़ाया था, ताकि इंसान इस धरती पे इंसान बन के जिए, इंसानी चाल चलते हुए एक हैवानी फितरत, शैतानी फितरत जब जब भी हावी हुई है, तब तब ही सारी मानव जाति का नुकसान हुआ है, तब तब ही धरती का नुकसान हुआ है। इसीलिए इंसानियत वाली भावनाएं मजबूत रहें, इंसानियत जिंदा रहे, इसीलिए आप वही पाठ महापुरुषों, संतों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों का वो अपनाते भी हैं और दोहराते भी हैं और उसी पे आधारित पैगाम दिए जाते हैं। तो ये एक संसार को इसकी ज़रूरत है। विश्व भर में हम हालातों को देखते हैं, कैसे दर्दनाक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, कैसी कत्लो गारत हमें देखने को मिलती है, किस तरह से हिंसक प्रवृत्ति जो है ये इंसान में स्थापित होती चली जा रही है। तो ये एक हिंसा वाला वातावरण ये सब के लिए नुकसान का कारण है। इसलिए प्यार, भाईचारे की ज़रूरत है। मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख बांटने के लिए ही इंसान आगे आए और इसी के कारण सारे ही वातावरण, चाहे हमारे घरों के हैं, चाहे समाज के हैं, चाहे प्रांत के हैं, चाहे देश के हैं, चाहे विश्व के हैं, सभी जगह के वातावरण ये सुंदर बनते चले जाएं। इसीलिए आज आप इस समागम पर उपस्थित हुए हैं, इसी पैगाम को लिए हुए। साध संगत जी धन्य का। तत्पश्चात महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न प्रांतों के अलावा देश विदेश के कोने कोने से आए भक्तों ने विशाल मानव परिवार के बीच हुजूर बाबा जी के समक्ष अनेकों भाषाओं में अपने हृदय के भाव व्याख्यान, कविता व गीत रूप में प्रकट किए। Oh,
सध्याचं युग हे विज्ञान युग समजलं जातं आणि आज जीवन जगत असताना मनुष्याला विज्ञान आणि अध्यात्म या दोन्ही गोष्टींचा आधार घ्यावाच लागतो. भौतिक आणि आध्यात्मिक साधनांच्या आधारे केलेले प्रयत्न मनुष्याला विश्वनिर्मितीच्या मुळापर्यंत स्थूलापासून सूक्ष्माकडे घेऊन जात असतात. परंतु भौतिक साधनांची एक ठराविक मर्यादा असते, कारण त्याचा उपयोग आपण स्वतः इंद्रिय सुखासाठी घेत असतो. त्याने मनाची तृप्तता, मनाची शांती होईलच नाही सांगता येत नाही. उदाहरणार्थ आपल्यासमोर पंचपक्वान्न युक्त षडरसाने युक्त असं आहार आपल्यासमोर असेल पण आपल्याला भूकच नसेल तर काय उपयोग. आपल्यासमोर आरामदायी बिछाना असेल पण आपल्याला झोपच येत नसेल तर त्या बिछानाचा देखील काय उपयोग आहे. वैभवशाली असं बंगला असेल पण त्या बंगल्यामध्ये गृहशांती नसेल तर बंगल्याचा देखील काय उपयोग आहे. आणि यासाठीच मनाची तृप्तता, मनाची शांती, आत्म्याची शांती होणं गरजेचं आहे. सत्संगजी, याच सोर्स ऑफ एनर्जी, याच नॉन मॅटर निरंकार जो अव्यक्त आहे, जो दर्शन आज सद्गुरु करून देत आहेत, आज निरंकारी आध्यात्मिक विचारधारेचा हाच एक पवित्र उद्देश आहे की संपूर्ण विश्वामध्ये ही आध्यात्मिक जागृती व्हावी, सर्वांच्या मनामध्ये प्रेम निर्माण व्हावे, सर्वांना स्वतःच्या मूळ अस्तित्वाची जाणीव व्हावी, सर्वांच्या मनामध्ये सद्गुण उदयास यावे. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रत्येकजण स्वतःच्या मनाचं अस्तित्वच मिटवेल, म्हणजेच अमन होईल. आणि बाबाजी आज तेच काम करत आहेत. प्रत्येकाच्या मनामध्ये ब्रह्मज्ञानरूपी रिएजंट प्रवेश करून मनाच्या शुद्धीकरणाचं, मनाच्या संकुचिततेला विशालतेमध्ये रूपांतरित करण्याचं, प्रत्येकाच्या आत्म्याला त्याच्या मूळ स्त्रोताशी, परमात्म्याशी जोडण्याचं आज काम करत आहेत. बदले, सदियां बदली, लेकिन गुरु पीर पैगंबरों के वाणियों और भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं रहा. सत्संग जिस प्रकार से पढ़ाई नहीं बदलती, सत्संग जी टीचर बदलते जाते हैं, मास्टर बदलते जाते हैं समय समय पर, इसी तरह से सत्संग जी गुरु पीर पैगंबर हर समय पर युगों युगों से इसी तरह से रूप बदल बदल कर धरती पर आकर ये सच के साथ, सच्चाई के साथ जोड़ने का प्रयास किया. और यही वो सत्संग जी ज्ञान जो सतगुरु बाबा जी ने हमें आज बताया, समझाया, जिसके साथ जोड़ने का सत्संग जी हमें रास्ता ये हमें बता रहे हैं कि ये निरंकार परमात्मा ईश्वर जो कड़ कड़ में, जर्रे जर्रे में है, इसी के साथ सत्संग जी जोड़ने का प्रयास किया. युगों युगों से सत्संग यही कार्य किया. संतों ने सतगुरु औंदा दुनिया उत्ते, सारे ही संसार लई, सतगुरु औंदा दुनिया उत्ते, दुनिया दे उद्धार लई. सत्संग जी सतगुरु जब धरती पाता है ये कार्य करता है, यही प्यार सिखाता है. और यही कह रहे हैं बाबा जी की प्यार एक जन्नत है, प्यार एक गुलशन है, प्यार में ही सुख सारे, प्यार सबका जीवन है. हर गुरु अवतार पीर प्यार ही सिखा के गए, राम मोहम्मद नानक ईसा प्यार ये दिखा के गए, और प्यार को ही भूल गई है ये दुनिया सारी. प्यार फिर से सिखा रहा मिशन ये निरंकारी, प्यार फिर से सिखा रहा मिशन ये निरंकारी. सद्गुरुचा कृपेला उज्ञानाचा ज्योती या ज्ञान ज्योती, हरदेवाचा कृपेला उज्ञानाचा ज्योती या ज्ञान ज्योती. सद्गुरुचा कृपेला उज्ञानाचा ज्योती या ज्ञान ज्योती, हरदेवाचा कृपेला उज्ञानाचा ज्योती
या ज्ञान ज्योति। सतगुरु सत्संगत हर युगों में यही संदेश देते हैं। हर पल सत्संगत जब ये संदेश आता है पीरों पैगंबरों के द्वारा, इस धरती के ऊपर जब संदेश दिया जाता है तो यही दिया जाता है कि शांति का, प्रेम का, सद्भावना का, भाईचारे का। और जब सत्संगत ये संदेश इंसान को देते हैं और धरती का सुंदर रूप देने के लिए ये आवाज़ दी जाती है, और फिर भी जो इंसान है इसको नज़रअंदाज कर देता है और ये सारी बातों को भूलकर फिर सत्संगत वो दूरियां पैदा करना शुरू कर देता है और इस हद तक सत्संगत अपने आप को गिराना शुरू कर देता है कि गिरावट की ओर ही चलना शुरू कर देता है। और फिर सतगुरु ने संदेश दिया इंसान को कि अभी भी तो सुधर जा, अभी भी तो अपने आप को संवार ले और सत्य के साथ जुड़ जा और सत्य का बोध हासिल कर ले, अपने आप को पहचान ले, अपने मूल को पहचान ले। जब अपने मूल को पहचान जाएगा तो तेरे को कोई भी पराया नहीं दिखाई देगा, तेरे को सब एक ही दिखाई देंगे। जब एक दिखाई देंगे तो तभी ये प्रेम भावना आएगी, भाईचारे की भावना आएगी। आज कुटुंब व्यवस्था धोक्यात आल्यामुळे कुटुंब कुटुंब राहिली नाहीत, कुटुंबाची शकलं अनेक पाहायला मिळत आहेत आणि ह्या शकलामध्ये कुटुंब विखुरलेलं आहे, विभागलेलं आहे। प्रत्येक माणूस असुरक्षिततेचा, अस्थिरतेचा आभास करतोय। तर याच जर रवींद्रनाथ टागोर सुद्धा म्हणत आहेत की मी माझ्या अवतीभोवती भिंती बांधत गेलो आणि त्या भिंती इतक्या उंच होत गेल्या की त्या भिंतीमध्ये मी स्वतःला हरवून बसलो। आज मनुष्यसुद्धा त्या भिंतीमध्ये जाती पाती बंदीच्या वैर द्वेष नेप्रतेच्या भिंतीमध्ये स्वतःला हरवलेलं आहे। परंतु या संजनावर जोपर्यंत त्याला स्वतःची जाणीव होत नाही मी कोण आहे, ईश्वर जीव अंश अवजनाशी, की हा जीव जो आहे हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि त्याच्यामध्ये दैवी गुण असतील तरच तो शोभायमान दिसेल, अन्यथा नाही आहे। राक्षसी वृत्ती धारण करून राक्षसी गुणांना जीवनामध्ये स्थान देऊन तो मनुष्य म्हणण्याचा असणार नाही आहे। तर या जोपर्यंत स्वतःची जाण करून घेत नाही, या परमपिता परमेश्वराशी जुळत नाही आहे, सेल्फ रिअलायझेशन थ्रू गॉड रिअलायझेशन, की या परमपिता परमात्माची जोपर्यंत जाणीव करत नाही आहे, ओळख करून घेत नाही, आपलं मूळ स्वरूप मी कोण आहे जाणून घेत नाही आहे, तोपर्यंत तो खरा माणूस बनणार नाही आहे। तर या संजीवनी आज समर्थ गुरु बाबा हरदेवजी महाराज पण हीच जगाला शिकवण देण्याचा प्रयत्न करतात। या संजीवनी ही शिकवण प्रत्येक घराघरापर्यंत, प्रत्येक माणसापर्यंत पोचवूया आणि या संजीवनी खरा माणूस बनवण्याचं जे हे मिशन कार्य करते। सत्संगजी सद्गुरु बाबाजींची विशेष कृपा झाली आणि पुन्हा सत्संगजी बाबाजींचे विशेष आभार मानावेसे वाटतात की ज्या परमात्म्याला सत्संगजी लोक जगामध्ये शोधतात, सद्गुरु बाबाजींच्या कृपेने सत्संगजी मला माझ्या कुटुंबात सत्संगजी वासुदेव बघण्याची दृष्टी मिळाली, मला माझ्या वडिलांमध्ये सत्संगजी वासुदेव बघण्याची दृष्टी मिळाली, मला माझ्या आईमध्ये सत्संगजी, पत्नीमध्ये, मुलांमध्ये सत्संगजी वासुदेवाचं दर्शन होऊ लागलं। तर या सत्संगजी दया करा, या समागमाच्या मंचाचा आधार घेऊन हीच प्रार्थना सत्संगजी जगासमोर करावीशी वाटते की या
वसुदेव कुटुंबकामची भावना जर स्थापित करायची असेल तर माझ्या सद्गुरु बाबाजींकडनं सातसंगजी ती दिव्य दृष्टी प्राप्त करून घ्या की ज्या दृष्टीमुळे सातसंगजी सगळीकडे वासुदेवच वासुदेव दिसतो. हे विश्वची माझे घर सातसंगजी वाटायला लागतात. दुनिया में जितने भी बसने वाले लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई सुबह से लेकर के रात तक ये दौड़ धूप जो लगा रखी है, मकसद क्या है आपका, कारण क्या है, तो सारे के सारे यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं. और तमाम सारे साधन वो किए चले जा रहे हैं सुखी होने का, परंतु इंसान ने किया क्या है कि सुख को अपने मन से बांध रखा है. वो चाहता है कि सारी चीजें मेरे मन के अनुसार हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा. कोई सोचता है कि मेरे कहे अनुसार मेरी पत्नी चले तो मैं सुखी, मेरे बताए अनुसार मेरी इच्छा अनुसार मेरे बच्चे चलें तो मैं सुखी, मेरे अनुसार मेरे पड़ोस के लोग चले तो मैं सुखी, मेरे अनुसार मेरे ऑफिस के दफ्तर के लोग चले तो मैं सुखी. मगर क्या यह संभव है कि हर हमेशा बात मेरे मन के अनुसार ही हो जाए? कभी भी संभव नहीं है. बातें तो कभी मन के अनुसार होंगी, कभी मन के विपरीत भी होंगी, मगर हमेशा अगर हम चाहते हैं कि सुखी होना तो इनकी इच्छा में, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लें, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लें, दुखी होने का कोई कारण नहीं होगा. कुठून करावी, कशी करावी आणि कधी करावी, ही संस्कृती शिकवणारा जोपर्यंत सद्गुरु जीवनामध्ये येत नाही. कारण युगायुगामध्ये ज्या वेळेला निराकार सगुण साकार रूप जेव्हा बनून येतो त्यावेळेला तीन गोष्टी हातामध्ये घेऊन येतो, एक सत्य, दुसरं साहित्य आणि तिसरी संस्कृती. सत्य निरंकार परमात्माचं ज्ञान, जो स्वतः साकार होऊन साऱ्या मानवतेच्या समोर प्रकट करून देतो. साहित्य त्या युगानुसार असणारी धर्मग्रंथ, प्रकाशन ज्याला आपण म्हणतो. सत्ययुगामध्ये त्यांनी चार वेद, सहा शास्त्र, 18 पुराणाची निर्मिती केली. त्रेतामध्ये रामायणाची रचना केली. द्वापारमध्ये
गीतेची रचना केली। कलियुगामध्ये अनेक धर्मग्रंथांच्या माध्यमातून माणसाला एक माणुसकीची शिकवण देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले। आज वर्तमान सद्गुरु बाबा हरदेव सिंहजी महाराज संपूर्ण अवतारवाणीच्या माध्यमातून शहनशाहजी ती गोष्ट आमच्यासमोर एक नमूद करून ठेवली की ईश्वराशी शोधी जग हे सांगू कोटे राहत असे संतांच्या हृदयात बसुनी रसनेद्वारे वाहत असे। ही प्रेमाची लगन ही प्रेमाची भाषा संतांच्या मुखातून आणि सद्गुरूच्या अमृत धारेतूनच माणसापर्यंत पोचवली जाते। आज दास ती प्रार्थना करतोय की ज्या माणसाला वाटतं की माझ्या जीवनामध्ये शाश्वत प्रेम यावं, माझ्या जीवनामध्ये शाश्वत संस्कृती यावी, माणूस म्हणून मला जगायचं आहे, माणूस म्हणून मला जगत असताना माणुसकीच्या दैवी गुणांचं मला आगमन करायचं आहे, अशा मनुष्यानं आज वर्तमान सद्गुरू बाबा हरदेव सिंहजी महाराजांना नतमस्तक होऊन या ब्रह्मज्ञानाची अनुभूती करून घ्यावी आणि आपला यहलोक आणि परलोक सुद्धा सुखी करून। दर्शन का फल है वड़ा। लोगों ने पूछा कि आप कह रहे हैं गुरुदर्शन का फल है वड़ा, क्या फल है? मन नू पाक बनांदा है, गुरचरणा दी धूड़ी पाके मन मैला धुल जांदा है। जेड़ा गुरदी संगत करके, ये किसकी संगत है? ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की संगत है। आज हजारों के तादाद में ये पैगाम देने आए कि आओ पूरन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज निरंकारी आया है, आपको परमात्मा का देव का निरंकार का दर्शन कराएगा। ये दर्शन करने वालों ने ही साथ संगत बातें कही। आज ये बाबा साथ संगत यही आवाज दे रहा है, जिस आप समाज में रहते हो, जिस साथ संगत जगह पर रहते हो, आपका कुछ बदला नहीं जाता है, आप उसी तरह रहो, अपने राम को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को जानो। नपुरत बैर के चुन चुन कांटे प्यार अमन फैलाते जाए, रंग नसल भाषा बोली के दिलों से भेद मिटाते जाएं, रंग नसल भाषा बोली के दिलों से भेद मिटाते जाएं। बुनियाद प्रेम की पक्की हो तो क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बुनियाद प्रेम की पक्की हो तो तब बनती है मीनार कोई, क्या बात है, बहुत बहुत। नपुरत का बिस हर कर जग में कर प्रेम चमन गुलजार कोई, क्या बात है, सुना। नपुरत का बिस हर कर जग में कर प्रेम चमन गुलजार कोई, मिटा के दिल से हर दूरी को, क्या बात है, मिटा के दिल से हर दूरी को
सबको हम अपनाते जाएं, नफरत बैर की तोड़े दीवारे प्यार के पुल बनाते जाएं, नफरत बैर की तोड़ दीवारे प्यार के पुल बनाते जाएं, नफरत के धधकते अंगारों में, नफरत के क्या बात है, नफरत के धधकते अंगारों में झुलस रहा है यह संसार, झुलस रहा है यह संसार, हाँ जी, नफरत के धधकते अंगारों में झुलस रहा है यह संसार, अरे हिंसा से तपती मानवता हो रही आज बेबसलाचार, बेबसलाचार, हाँ जी, हाँ जी, बह रहा लहू मासूमों का, जी जी, बह रहा लहू मासूमों का, हो रहा कहीं पर नरसंहार, क्या यही आज की दुनिया है, क्या यही आज की दुनिया है, अब करें जरा कुछ सोच, क्या बात है, बहुत सुंदर सोच, आग से आग नहीं बुझती है, क्या बात है, आग से आग नहीं बुझती है, ये समझे और समझाते जाएं, नफरत पैर की तोड़ दीवारें प्यार के पुल बनाते जाएं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात, गुलाब मोगरा जाई जुई, गुलाब मोगरा, गुलाब मोगरा जाई जुई, पहा एकत्र जमले सारे, गुलाब मोगरा जाई जुई, पहा एकत्र जमले सारे, कधीच भांडताना दिसत नाही जसे आकाशातले तारे, बिलकुल सत्य, बिलकुल सत्य, छान छान, वैर द्वेषाच्या अग्नीत देखील, वैर द्वेषाच्या अग्नीत देखील हे सर्वांना देतात शांती, सर्वांना देतात शांती, सत्य, वैर द्वेषाच्या अग्नीत देखील हे सर्वांना देतात शांती, डोळे उघडून पहा एकदा इथे घडवत आहेत क्रांती, सुंदर सुंदर सुंदर, निंदा कुणाची नको रे बाबा, हे खरं आहे, निंदा कुणाची नको रे बाबा, गुण सर्वांचे आवडीने गाऊ, वैर देशाच्या पाडून भिंती प्रेमाचे पूल बांधत जाऊ, इतना बढ़िया जन्म मिलल बा, कर्म से चला सजावल जाए, नफरत बैर का दीवार तोड़ के प्यार का पुल बनावल जाए, बनके मानव मानवता के, बन के मानव मानवता के, अरे भैया ना बिसरावत जा, अरे शैतान नाही इंसान तू हुआ, शैतान नाही इंसान तू हुआ, अरे जिन केहू के सतावत जा, शैतान नाही इंसान तू हुआ, जिन केहू के सतावत जा, अरे दीवार बिना संसार बनावा सबसे प्रेम निभावत जा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सोना, दीवार बिना संसार बनावा सबसे प्रेम निभावत जा, अरे मह मह महके जग जग जौने से, मह मह महके जग जौने से तौने उपाय अपनावत जा, इंसा बन के, इंसा बन के इंसानियत के, इंसा बन के इंसानियत के, अब से चला बचावल जाए, नफरत बैर के दीवार तोड़ के प्यार का पुल बनावल जाए, प्यार का पुल बनावल जाए, माणूस आहो जर आम्ही सारे, अहो माणूस आहो जर आम्ही सारे, मानवा सारखे वागत जाऊ, वेर द्वेषाच्या पाडून भिंती प्रेमाचे पुल बांधत जाऊ, चंद्रावरती पावले पडली, अहो चंद्रावरती पावले पडली, मंगळावरची आता तयारी, ऍडव्हान्स म्हणून जगणारे सारे, ऍडव्हान्स म्हणून जगणारे सारे, दुनियातले नरनारी, पैसा अडका भरपूर किशात, अहो पैसा अडका भरपूर किशात, भरपूर दागिने मोटारी, गिळतोय सध्या तरी प्रत्येकी, गिळतोय सध्या तरी प्रत्येकी, ईर्ष्याची ही मोठी बिमारी, ईर्ष्याची बिमारी, हा जी हा जी, होऊ नये हे नाहीसे जीवन, होऊ नये हे नाहीसे जीवन, उपचार उपचार आजाराचे साधत जाऊ, वेर द्वेषाच्या पाडून भिंती प्रेमाचे पुल बांधत जाऊ, मानवता हो कायम जग में, मानवता हो कायम जग में, ऐसा ही अभियान चलाएं, क्या बात है, दो मुल्कों का मिलन जहां हो सत्संग भवन वहां बने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दो मुल्कों का मिलन जहां हो सत्संग भवन वहां बनवाए, सरहदों का नामकरण हो, आओ सबसे हाथ मिलाएं,
हर भाषा हर देश के मानव भातृभाव से घुल मिल जाए। हर भाषा हर देश के मानव भातृभाव से घुल मिल जाए। एक पिता के हम सब बालक, बिल्कुल बिल्कुल, एक पिता के हम सब बालक, सबको यह समझाते जाएं, नफरत बैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं। मुहिंजा पीर मुहिंजा मी तो सा मुहिंजो प्यारिया, मुहिंजे दर्दन जी दवा बस तुहिंजो ही दीदारिया। मुहिंजा मीर मुहिंजा पीर सब मुखा विसरी फरशा अर्श उड़ायो तो बिच विहारे बिन हथड़न जे झूले में झूलायो तो ओ बिच विहारे बिन हथड़न जे झूले में झूलायो तो तुहिंजी जीत मुहिंजी हार तुहिंजी जीत मुहिंजी हार तो साथियो इकरार या मुहिंजे दर्दन जी दवा बस तुहिंजो ही दीदार या मुहिंजा मीर मुहिंजा पीर मुहिंजा मीर मुहिंजा पीर तो सा मुहिंजो प्यार या मुहिंजे दर्दन जी दवा बस तुहिंजो ही दीदार या। संत जन आपण पाहतो या विशाल प्रांगणामध्ये महाराष्ट्रातून अनेक जिल्ह्यातून निरंकारी भक्त मंडळी या ठिकाणी एकत्रित जमलेली आहे। हा शुभ संदेश जगाला सांगण्याकरता की एका परमपित्या परमात्म्याचं दर्शन आम्हाला झाले, ज्याच्यामुळे आम्ही सगळे एकत्र येऊन गुण्या गोविंदाने राहू शकतो। कारण जोपर्यंत हा परमपिता परमात्म्याचं दर्शन होत नाही समर्थ सद्गुरूकडून, तोपर्यंत घटाघटामध्ये असणारा जो ईश्वराचा अंश आहे आत्मतत्वी, त्याची अनुभूती येणार नाही। ज्ञानेश्वर माऊली म्हणते, ज्ञानदेव गोडी संगती सज्जनी दिसे जने आणि आत्मतत्वी, की आत्मतत्वाचं दर्शन आहे साधू संतांना झालं किंबहुना या ठिकाणी लाखोच्या संख्येने या ठिकाणी भक्तगण एकत्र झालेले त्यांना तो अनुभूती आली। म्हटले संत, या नोग पंडित तोची भला जो नित्य भजे विठ्ठला, अवघे समब्रह्म पाहे सर्वाभूती विठ्ठल आहे। तर सर्वाभूती विठ्ठल ही जी कल्पना आहे, ही अनुभूती आहे, त्याचवेळी येईल ज्यावेळी हा निराकार ईश्वराचं दर्शन होईल। कित्येकांना भ्रम आहे की परमात्मा निराकार आहे, मग आपण पाहिलं काय? पण त्या संदर्भात पण संत यानं समर्थाने खुलासा केला आहे की कळे अकळे रूप ते ज्ञान होता, तेथे अटली सर्व साक्षी अवस्था, मना उन्मनी कुंठित राहे, तोगे तोची तो राम सर्वत्र पाहे। ईश्वर जरी निराकार आहे तरी तो कळतो, त्याचं आकलन होतं किंवा ज्यावेळी ज्ञान होतं। तर या संत यानं मिशन म्हणजे हे ध्येय आहे, आणि ते ध्येय उराशी बाळगून आज ही समर सगळी संत मंडळी एकत्रित जमली इतरांना सांगण्याकरता की तुम्हालाही तो संत यानं सोनेरी संधी आहे परमेश्वराचं दर्शन घेण्याकरता। कारण जे संत महात्मा पीर पैगंबर धरत्रीवर आले त्यांनी समस्त मानवांना मानवतेची शिकवण दिली, किंबहुना त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणजे हे निरंकारी मिशन आहे। एका परमात्म्याचं ज्ञान देऊन वेगवेगळ्या धर्मातील लोकांना जातीपातीतील लोकांना त्या परमपित्या परमात्म्याचं दर्शन देऊन एका छत्रछाली छायेखाली आणण्याचं जे काम आहे ते आज निरंकारी मिशन करत आहे। मिलाले सजाना निरा दुनिया चेहरा निया का प्यार पावे दुनिया। घोर कलयुगावा में अलख जगावे हैं, जगावे हैं।
दीन दुखियन के अपना बनावे है। मन भाव भरी के भजनिया, मन भाव हरी के भजनिया, चहरानिया के प्यार पावे दुनिया। सत्संगत एक बार कहीं जाने का मौका मिला, जिस सोसाइटी में गए बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, बहुत खूबसूरत मीनारे। साथ वालों ने कहा चन्नी जी देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हैं ये मीनारे, कितनी शोभा दे रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऊंची हैं, सुंदर हैं, शोभा दे रही हैं, लेकिन हैं क्या? मिट्टी, मिट्टी है मिट्टी, कोई आसमान से उतरी हुई मिट्टी नहीं, वही मिट्टी जो तेरे पांव के नीचे रुलती है, वही मिट्टी जो जरा सी तेरे बदन तेरे कपड़ों पे लग जाए तुरंत तू झाड़ने का प्रयास करता है, वही मिट्टी है। जिस मिट्टी की तू शलाघा कर रहा है ना, ये वही मिट्टी है, लेकिन शलाघा की पात्र बन गई क्योंकि वो तेरे पांव के नीचे रुलने की बजाय कारीगर के हाथ में आ गई, ऊंचाइयां पा गई, सुंदरता पा गई, खूबसूरती पा गई। जरा देखें ये भी मिट्टी है, रुलने वाली हम रुलते फिरते रुलने वाली मिट्टी, कोई बात ना पूछता, लेकिन कारीगर के हाथ में आ गई, कारीगर के हाथ में क्या आ गई, मिट्टी की जून संवर गई, मिट्टी की जून संवर गई। कारीगर ऐसी रहमत जो निरंतर पूरी दुनिया को एक ऐसा वातावरण प्रदान कर रही है जिसको पाने के लिए आज हर एक तरस रहा है। दुनिया में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं, जिस मुल्क की नफरतें बढ़ती हैं वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, जिस शहर में नफरत की चिंगारी पनपती है वो शहर आग के घेरों में आ जाता है, जिस घर के अंदर नफरत पनपती है वो घर टूट जाता है, जिस मन के अंदर नफरत बस जाती है वो जीवन बिखर जाता है। यही बचा रहे हैं कि पहले अपने मन के अंदर की इस दीवार को, नफरत की दीवार को निकाल, वो दीवार निकलेगी तेरा जीवन संवरेगा, तेरा जीवन संवरेगा, तेरा शहर संवरेगा, तेरा शहर संवरेगा, तेरा देश संवरेगा, तेरा देश संवरेगा, सारा संसार संवर जाएगा, लेकिन कदम तो बढ़ा। सत्संगत विश्वास चाहिए, विश्वास कब आएगा, जब मन के अंदर से इस मिथ्या का भय निकल जाएगा। गाऊआ मी विठोबाच नाम, एक गाऊआ मी विठोबाच नाम, आणि कांच काम नाही आता, आणि कांच काम नाही आता, dearest saint said, to share experiences after seeking the divine knowledge, Brahmgyan.
And a thought came to mind that only 2 days ago, on our flight from Birmingham, UK, to Mumbai, I was sat next to a passenger, and he asked me, "What are you going to be doing in Mumbai?" So I said that there is a spiritual retreat, and I'm going to have some spiritual pampering. And he said, "Aha, how long are you there for?" I said, "The trip is about 10 days. And he said, "Okay, I know. I know of these retreats. You don't talk to anybody and you switch off from the whole world and you're in complete peace. And that's how you get in touch with yourself." I said, "No, it's not that kind of spiritual retreat. Actually, it's quite the opposite. You see, this spiritual retreat is not about getting away from people, from society, from the world, from work. But actually, it's about how to be spiritual, how to be at peace, how to be at one whilst you're in your day-to-day life, whether it's with work, whether it's in education, whether it's with family or friends." And I said to this passenger, "Do you not think that to be able to have access to something which can give you that state of mind without having to do switching off everything, but to live in that day-to-day life, surely that must be something worth knowing about?" And he said, "Uh-huh, interesting. And this is what the Brahm Gyan gives to me. In my limited experience, it only happens when you first know the One. When you know the Brahm Gyan, the divine knowledge of oneness, of Nirankar, formless One. And then once you've known this Nirankar, to believe in it, to have faith in it, to surrender to it, and then to be one with oneness, to experience it and to live it. And when that occurs, that's when beauty happens. That's when the magic happens. And that's when we can really live life to the fullest and really enjoy it." देवाला पाहण्याच्या आधी आपली अवस्था काय होती संतजनांनो? त्या देवाला पाहण्याआधी आम्ही कुठं फरत होतो, आम्ही कुठं भटकत होतो, आम्ही कोणत्या कर्मकांडात अडकलो होतो संतजनांनो? पण या सद्गुरूला एक श्रद्धेचा नमस्कार गेला. कोणी तंत्रगुरु, कोणी मंत्रगुरु, कोणी विद्यागुरु, कोणी अविद्यागुरु, परी मोक्षदाता हा सद्गुरू वेगळाची.
आणि या सद्गुरूला शरण आलो संतरणांनो आणि एका क्षणात हा निराकार दाखवला. तुकाराम महाराज सुद्धा म्हणतात की मागे पुढे ब्रह्म दाटे म्हणती देव आहे कोठे मृग नाभीचा परिमळ परिहिंडे रानो माळ जयामध्ये जाती येती तयाना ओळखती ऐसी स्थिती होईल केव्हा गुरु कृपा होईल जेव्हा गुरु कृपा झाल्यावरती ब्रह्म दृष्टी दिसे सारी. या निराकारणी या सद्गुरूंनी मला एका क्षणात हा निराकार दाखवला आणि सगळीकडे हा माझा ओतप्रोत हा निरंकार दिसायला लागला. संतरणांनो सामोरी पाहता हा दृष्टी पडे देव माझा हा चोहीकडे. आता हा मला चोहीकडे दिसतोय संतरणांनो आज गरज आहे त्या चोहीकडे दिसणाऱ्या निरंकाराला ज्यांनी दाखवलं ज्या सद्गुरूंनी मला दाखवलं त्या सद्गुरूच्या वचनाप्रमाणे चालण्याची. संतरणांनो आज बघतोय सदा निरंकार अवतारवाणीमध्ये मी लिहिलेलं आहे की मानवी मी मानवा सारिखा इतरा जैसा देह मला ज्ञानांजन घालून गुरुने ज्ञान दृष्टी दिधली मजला बोलतो यही दया गुरुची त्याचे लेख उच्चारितो सद्गुरुच्या या कृपेने सदा निरंकार हा मी पाहतो. महात्म्यांनो एक वेळा नव्हे दोन वेळा नव्हे तर सदा 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 हा निरंकार मी पाहतोय. आज गरज आहे त्या ज्ञानाप्रमाणे कर्म करण्याची. The more the darkness, the more there is the need for light. The sun is shining, don't close your eyes and think it's night. Open your eyes now, the Lord Master is smiling at us. Follow his footsteps, then everything shall be alright. This is the time to become bridges, bridging humanity piece by piece forever. This is the time, it's now or never. Bridging humanity piece by piece forever. This is the time to become bridges, bridging humanity piece by piece forever. This is the time, it's now or never. Bridging humanity piece by piece forever. Ekada manushya samudracha kinari sant janu ubha rahato आणि त्याला संत जाणू समुद्राच्या लाटा फार आवडतात समुद्र आवडत नाही. हे विधानच मुळी चुकीचं आहे. ज्याचं मूळ स्रोत समुद्र आहे ना संत जाणू समुद्र नसता तर समुद्राच्या लाटा कुठून उठल्या असत्या. एखाद्या मनुष्याला सूर्याची किरण फार आवडतात सूर्य आवडत नाही हेही विधान चुकीचं आहे. जर मी समुद्राच्या लाटांचा स्वीकार करतोय जर मी सूर्याच्या किरणांचा स्वीकार करतोय तर ज्याचं मूळ स्रोत समुद्र आहे ज्याचं मूळ स्रोत संत जाणू सूर्य आहे त्याचाही स्वीकार करायला पाहिजे. आणि आज जी स्वीकार करण्याची प्रवृत्ती आहे ती संत जाणू केवळ आणि केवळ संत जाणू ह्या सत्संगमध्येच प्राप्त होते आणि कुठे होत नाही.
साध संगत जी, जिधर देखते हैं दीवारें ही दीवारें हैं, और लोगों ने पूरी कोशिश की है। हमारा मिशन, मेरे सतगुरु बाबा जी सबको आशीष देते हैं, वेलकम करते हैं। सतगुरु ने एक ऐसा नगर बसा दिया है, एक ऐसी सोसाइटी कायम कर दी है, किसी का धर्म भी नहीं बदला। मुझे किसी somebody asked me, is this a new religion? ये कोई नया धर्म है बाबा जी ने चलाया? मैंने कहा, धर्म तो सबको मिला जन्म से ही, जहां जहां हम पैदा हुए धर्म तो मिला, लेकिन सतगुरु बाबा जी उसी धर्म को धार्मिकता दे रहे हैं। धर्म सबके पास है, धार्मिकता नहीं है, ये जीना सिखा रहे हैं। मानस की जात सब एक के पहचान वो, जब एक होता है कोई टकराव नहीं, कोई आवाज नहीं। और ये बाबा जी का गुर है, एक हैं हम सब, हम सब दो हैं ही नहीं। और जब एक हो जाता है कोई टकराव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। जरा नवाज है तू, गरीब नवाज है तू, जरा नवाज है तू, गरीब नवाज है तू, मेरे लफ्ज मेरे सुर मेरे मुर्शद सतगुर, मेरी आवाज तू, मेरी आवाज तू, मेंढा राज भी तू, तू ही 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 तू। मेरी सुबह मेरी शाम मेरा राम, मेरी सुबह मेरी शाम मेरा राम, मेरी सुबह मेरी शाम मेरा राम, मेरा जिस्म मेरी रूह मेरी हर जुस्तजू, मेरा जिस्म मेरी रूह मेरी हर जुस्तजू, मेरा आगाज तू, मेंढा राज भी तू, तू ही 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 तू। Saints, I often sing praises of gratitude when I think about this gyan, this awareness that the Satguru has given us. Saints, I was watching a video the other day about a spiritual counselor who was sharing his experience about a young lady who was talking to him about some challenges that she was going through in life. And after each moment, she would say, but deep down inside, I know it's going to be okay. This is happening, but deep down, I know it's going to be okay. Then he said, stop. This deep down that you are talking about, what do you think that is? That depth, that awareness, that intuition, that guidance, that love, that is divinity. And we are so blessed that Satguru Babaji ignited that which was in us and showed us our true form, our true worth, our true wealth. And there's no greater wealth than this. There is no greater happiness in this. And he finds the greatest happiness in sharing this, in spreading it, in it growing. It can only get bigger. It can only blossom. So saints, take this opportunity to transform. Saints, we talk about bridging humanity piece by piece. The piece is me, the piece is you.
And to unite it, we have to be at peace with ourselves. We have to be at peace with you and everyone around us. So then that peace doesn't become a peace anymore. It becomes a whole. It becomes a bridge. And that bridge ultimately becomes oneness. अंत में समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए हुजूर बाबा जी ने फरमाया, संगत जी प्रेम से कहना, संगत करीब एक बरस के बाद नवी मुंबई के इसी इन्हीं मैदानों में फिर से आप लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। 49th समागम महाराष्ट्र का 49वां, जहां महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न इलाकों से आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर उपस्थित हुए हैं। वहां पर महाराष्ट्र के अलावा भी चंद प्रांतों से नुमाइंदगी यहाँ हो रही है, और केवल हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विश्व के अनेकों मुल्कों से भी यहाँ पर भक्तजन उसी श्रद्धा उसी भक्ति भावना से उपस्थित हुए हैं। जो लगन हमेशा भक्तों में पाई गई है, जो इस सत्य का आधार लेकर जीवन के सफर को तय करते आए हैं, जिनके लिए मानवता इंसानियत बहुत अहमियत रखती है, जो जीवन का मूल्य जानते हैं, इन सांसों का मूल्य जानते हैं, इसलिए एक एक सांस वो इसी सच को समर्पित होकर ही बिताने के लिए हमेशा ऐसा भाव रखते हैं। इंसानी जामा इंसानी जन्म मिला है, तो इंसानियत की डगर पर चलने के लिए हमेशा जतनशील रहते हैं। तो इस तरह से
यहाँ पर महाराष्ट्र के इस संत समागम के ऊपर आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। इसी महाराष्ट्र में, इसी मुंबई में, जहाँ ऋषि व्यास देव जी ने इतने योगदान दिए और उन्हीं की जीवन संगनी माता कांता जी, उनके साथ भी और उसके बाद भी लगातार यहाँ मुंबई की संगतों को अपना प्यार दुलार देते आए हैं। और अभी पीछे ही उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्यागा, जहाँ पर हर समागम पर सबके लिए तन मन धन के सुखों की कामनाएं करते रहे। तो कहाँ से मुंबई में ये प्रचार का सिलसिला आरंभ हुआ और आज हम वो व्यापक रूप देख रहे हैं, केवल मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र का। जहाँ पर जिस इलाके में चले जाओ वहाँ ही ऐसी श्रद्धा वाले भक्तजन अपने अपने इलाकों में रहकर जहाँ अपनी भक्ति निभा रहे हैं, वहाँ पर ये सच का पैगाम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जिस सच से नाता जोड़ने की आज भी प्रेरणा मिल रही है हमें, जहाँ इस सत्संग में करीब 3 बजे से जो आरंभ हुआ और तब से लेकर जिस जिस को भी अपनी बात रखने का मौका मिला, तो हर किसी ने इसी सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार का जिक्र किया, इसका गुणगान किया, इसी से ही शक्ति मांगी कि दातार कृपा करो कि हम हमेशा उजाले में जीवन जिएं। ये जो उजाला हमारे जीवन में आया है, इसी उजाले में हम जीवन जीते चले जाएं। एक एक पग जो हमारा हम धरें, तो एक एक कदम जो है वो इसी उजाले में हो, और हर किसी के जीवन में ये उजाला आता चला जाए, ये भी शुभकामना करते हैं कि हर किसी के जीवन में उजाला हो, हर मन रोशन हो, हर आत्मा रोशन हो, ताकि कहीं अंधकार ना रहे। क्योंकि अगर मन और आत्मा अंधकार में रहते हैं तो ना आत्मा की बात बनती है और ना मन के कारण हमारे जीवन को सुंदरता मिलती है। इसीलिए इन दोनों का रोशन होना बहुत ज़रूरी है। और जिनको ये रोशनी मिली, उन्होंने ही संसार के ऊपर उपकार किए। जैसे एक जगा हुआ दीपक होता है और बाकी बुझे हुए दीपक होते हैं, तो जगा हुआ दीपक खुद तो रोशन होता ही है, वो बुझे हुए दीपकों में भी उनकी भी लौ जो है वो प्रज्वलित कर देता है, उसमें भी रोशनी स्थापित हो जाती है। इसी तरह से वलियों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने युगों युगों से इंसान के जीवन के अंधकार को दूर किया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, मूल से जोड़ा, सत्य का बोध कराया, असली पहचान प्रदान की, और इसी तरह से जीवन जीने के सलीके भी वो भी उन्होंने सिखाए। क्योंकि उन्होंने इस मन को भी प्रज्वलित कर दिया, इस मन में भी फिर भाव सुंदर पैदा होने शुरू हो गए, मन में खड़ी हुई दीवारें गिरना शुरू हो गईं, विपरीत जो भी भाव थे वो धूमिल होना शुरू हो गए, और एक सुंदर निखरा हुआ रूप इंसान का वो देखने को मिलने लगा, और वही निखरा हुआ सुंदर रूप इंसान का, उसी को दूसरे शब्दों में देवता कह देते हैं। तो इस तरह से ये देवत्व ये कितनों के जीवन में आता चला गया, और उन्हीं से प्रेरणा लेने के लिए भक्तजन, महापुरुष, संतजन ये लगातार ये अपने पैगाम देते चले जा रहे हैं, ये उपकार करते चले जा रहे हैं। महापुरुषों, भक्तों के पैगाम को अक्सर हर कोई नहीं समझ पाता है।
अगर हर कोई इसको समझ पाता तो जो ऐसे सच के मार्ग पर चलने वाले, हर किसी के जीवन में रोशनी लाने वाले, उनके ऊपर भी फिर जुल्म ना किए जाते। हमने इतिहास के पन्नों में देखा है जहाँ पर किस तरह से भक्तों, संतों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों के ऊपर भी कितने जुल्म ढाए गए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन जब हम देखते हैं, एक दिल दहल उठता है कितने घिनौने तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए गए, उनके शरीर के साथ, और कदम कदम पर जीवन भर रास्ते में कितनी रुकावटें खड़ी की। इसी प्रकार से इतिहास के पन्नों में हमें ऐसे ही एक मिसालें ये मिलती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि संतों महात्माओं के उनके संदेश को इंसान ने समझा नहीं, क्योंकि इंसान इतना गहरे अंधकार में विचरण करता आया है, इतनी एक भ्रमों में जीता आया है, इतनी भ्रांतियों में जीता आया है, असत्य को सत्य मानता आया है, और जब सत्य सामने लाने के प्रयास हुए तो उन सत्य सामने लाने वालों को भी मिटाने में ये संसार हमेशा अपना कार्य करता रहा है। लेकिन संतों महात्माओं ने हमेशा वो मार्ग अपनाए रखा, और ये हमेशा से ये भी सच्चाई रही है कि जो संतों ने सच बताया था वही सत्य रहा है, और संसार जिस असत्य को सत्य मानकर चलता आया है वो वाकई असत्य रहा है, वो कभी सत्य नहीं बना है। और वही लोग हैं जो नहीं समझ पाए कभी भी कि वाकई ही ये भक्त महापुरुष संत जन ये संसार को क्या देन दे रहे हैं, ये हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बात वही है जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि those who were seen dancing were thought to be insane by those who couldn't hear the music। तो जो वाकई ही इस प्रकार से देखते आए वो लोग थे जिन्होंने उनके कान जैसे बंद होते हैं, वो संगीत ही नहीं उनके कानों में सुनाई दे रहा, और वो यही सोच रहे थे कि ये तो ऐसे ही नाच रहे हैं, ये बांवरे हुए पड़े हैं, क्योंकि उनको संगीत ही सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए उनको भी जो राह दिखाने वाले उनको भी कुराइया कहते रहे, जिन्होंने रास्ते दिखाए उन्हीं के बारे में कहा कि ये तो भटके हुए हैं, ये तो भूले हुए हैं। इस तरह के फैसले अज्ञानता वालों ने हमेशा हमेशा दिए हैं। लेकिन बात वही आती है कि महापुरुष संत जनों का अभिप्राय हर किसी का उद्धार करना है, हर किसी का कल्याण करना है, इसीलिए वो अपना कार्य करते चले जाते हैं, वो अपनी देन देते चले जाते हैं, चाहे लाख रास्ते में रुकावटें आएं, वो आगे निकलते चले जाते हैं। जैसे पानी पहाड़ों से बहता है, रास्ते में कितनी ही चट्टानें आती हैं, कितने बोल्डर्स आते हैं, लेकिन वो पानी ठहरता नहीं है, वो उसी तरह से उन बोल्डर्स को, उन पत्थरों को, उन चट्टानों को छूकर दाएं बाएं से गुजरता चले जाता है, वो अपना रास्ता बनाते चले जाता है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं मुंबई में, इस नवी मुंबई में, इस महाराष्ट्र के समागम पे, इसी उद्देश्य के साथ कि ये उजाला हर जगह पर स्थापित हो और हम सही मायनों में जीवन के सफ़र को तय कर पाएं, हम ये दीवारें गिराते चली जाएं। यही एक थीम नवंबर में समागम में रखी गई थी, और जैसे दास ने आरंभ में कहा कि ये
समागम ऐसे ही लग रहा है जैसे दिल्ली का समागम चल रहा है, और यहाँ पर वो स्लोगन, वो थीम, ये भी वही है जो वहाँ पर इस्तेमाल की गई। और कवि सज्जनों को भी जो मुद्दा समस्या दी गई, ये भी वही जो दिल्ली में दी गई थी। तो वहाँ पर भी दीवारों को गिराने की बात हो रही थी, यहाँ पर भी मराठी भाषा में भले ही अधिकतर महापुरुषों ने ये बात कही, लेकिन संदेश तो वही था। क्योंकि ये दीवार तो दीवार है, और दीवार जब भी पैदा हुई है, जिसके द्वारा भी हुई है, तो वो वास्तविकता में हमेशा ही दूरियों का कारण बनी है, वो हमेशा विभाजन का, डिविजन्स का कारण बनी है। तो इसलिए आज भी यहाँ पर इस समागम पर भी दीवारों की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, ताकि ये तमाम दीवारें, चाहे मज़ो मिल्लत की हैं, चाहे जाति पाति की हैं, चाहे वो रंग नस्ल की हैं, चाहे सिविलाइजेशंस की हैं, चाहे अमीर गरीब की हैं, चाहे काले गोरे की हैं, चाहे ये औरत और मर्द की अपनी सुप्रीमेसी की दौड़ है, चाहे वो नेशंस की हैं, किसी लिहाज से भी हैं, इन दीवारों से परे निकलने की ज़रूरत के ऊपर जोर आज भी दिया जा रहा है। और वाकई फिर से मुड़कर देखें तो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने यही तो देन दी थी, दीवारें ही तो गिराई थी जो हमारे मनों में थी, उन दीवारों को गिराया, एक दूसरे की कदर करना सिखाया कि हम बंदे हैं, हम पांच तत्व के पुतले हैं, हम प्रभु के बंदे हैं, और डिवाइन स्पार्क, ये आत्मा हर किसी में बसती है। तो इसलिए ये काहे की दीवारें, क्यों कर ये दीवारें खड़ी की गई हैं। जैसे अभी भी आप श्रवण कर रहे थे कि हर चीज़ को वही मज़हब का रंग दे दिया जाता है, एक ऐसे रंग चढ़ा दिए जाते हैं, जो असल रंग है वो खो जाता है। जैसे शायर ने कहा कि ये सामने जो ईंटें तुम देख रहे हो, ये सामने ईंटें जो तुम देख रहे हो, इनका कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, लेकिन कल जब यही ईंटें मंदिर में लगेंगी तो हिंदू हो जाएंगी, और मस्जिद में लगेंगी तो मुस्लिम हो जाएंगी। ये ईंट तो ईंट ही है, उसी ईंट से हमारे मकान बनते हैं, और फिर उसके साथ नामे और पहचाने जुड़ जाती हैं। तो इस तरह की ये दीवारें ये लगातार खड़ी की गई हैं, और आप सभी जतन प्रयास कर रहे हैं कि ये दीवारें गिरें, कहीं हमारे मनों में दीवारें ना हो, कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की दीवार ना हो, कहीं पर भी भेद वाले भाव ना हो, कहीं पर भी तफरके ना हो, और हम मिलजुल कर इस जीवन के सफ़र को तय करें एक हामनी के साथ, एक मिलवर्तन के साथ, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हुए, एक दूसरे की पीड़ा कम करने में योगदान देते हुए, हमेशा ये महसूस करते हुए दूसरों की पीड़ा, जो कि भक्तों के लिए हमेशा से कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कि जैसे एक मक्खन होता है, मक्खन के टुकड़े को आंच दी जाती है तो वो टुकड़ा माखन का वो पिघल जाता है क्योंकि उसको आंच दी जाती है, लेकिन संतों के हृदय को इस तरह से माना गया है कि आंच किसी और को लगती है और मन इनका पिघल जाता है, कि मुझे तो आंच नहीं लगी, मैं तो बिल्कुल सेफ बैठा हुआ हूँ, लेकिन दूसरे को पीड़ा मिल रही है, उसके कारण इनके मन को पीड़ा महसूस होना शुरू हो जाती है। तो यही तो महापुरुषों ने कहा कि इस तरह से हमारी तार जुड़ी हुई हो, एक दूसरे की पीड़ा महसूस करें, उसको कम करने में योगदान दें,
मुझे खुशी मिली है मैं खुशी बांटूं, तो इसलिए हर जीवन लाभदायक हो अपने और औरों के लिए। इस तरह से महापुरुषों के ये पैगाम हैं, महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता है, और उसी रास्ते पे चलने वालों की ही जय जयकार ये हमेशा से रही है। वरना तो अपने अपने लिहाज से तो हर कोई सोचता है कि मैं तो इस प्रकार से ऊंचे दर्जे वाला हूँ ही, मेरा रास्ता तो सबसे बेहतर है ही, चाहे बुरे से बुरा काम करने वाला क्यों ना हो। कई दफ़ा दास वो मिसाल देता है कि कत्लो गारत करने वाले, डाके डालने वाले, मातम फैलाने वाले, एक हैवानियत की चाल चलने वाले, एक किसी इंसान ऐसे इंसान को पूछा गया कि तेरा मित्र कहाँ पर है, तो आगे से वो कहता है जी वो तो स्वर्ग से धार गए हैं। यानी कि कत्लो गारत करने वाले वो भी स्वर्ग से धार गए हैं कि वो स्वर्ग में चला गया है, मेरा साथी जो हम मिलजुल कर कत्ल करते थे वो स्वर्ग में चला गया है। तो इस प्रकार से ऐसी एक भाव रखने वाले, ऐसी अवस्था में जीने वाले ये नादानियां करते चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन आज भी यही पैगाम दे रहे थे, यही संदेश दे रहे थे कि हमने रोशन होना है, अपने जीवन को रोशन करना है, हमने संसार को रोशन करना है, हमने चारों तरफ उजाला फैलाना है, चारों तरफ उजाला स्थापित करना है, हमने चारों तरफ एक इंसानियत और मानवता को बुलंदी तक ले जाना है, हमने प्यार को मजबूत करना है, हमने सहनशीलता के साथ विचरण करना है, और इस तरह से ये संसार को एक सुंदर रूप देते चले जाएं। यही एक उत्साह लिए हुए, यही भाव लिए हुए महापुरुष संत जन ये लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं। और जो भी जिस रूप में भी ऐसे बेहतर योगदान दिए जाते हैं, जो कुछ संवारने के लिहाज से हैं, वरना बिगाड़ने वाले भी योगदान ही हुआ करते हैं, लेकिन संवारने के रूप में, बेहतरी के रूप में, बेहतरी लाने के रूप में, सजाने के रूप में, संवारने के रूप में, वो योगदान जिसके द्वारा जिस रूप में भी दिए जाते हैं, वाकई ही उसकी अहमियत ये हमेशा सज्जन जानते हैं, भक्त जानते हैं कि वाकई ही उसी की अहमियत होती है कि वो कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, वो कुछ संवार रहे हैं। तो इसलिए उनकी महत्ता ये हमेशा से रही है। चाहे युग बदल जाए, चाहे सदियां बदल जाएं, चाहे साल महीने बदल जाएं, चाहे विश्व का कोई मुल्क में रहने वाला वो इंसान हो, उसकी उस जगह हुए दीपक की तरह अहमियत रहती ही रहती है। वो मालिक की निगाह में उसका कीमत बहुत अधिक है। वो कहीं पर भी हो, किसी रूप में भी हो, किसी जगह पे हो, किसी युग किसी सदी में पैदा हुआ हो, वाकई ही उसी की अहमियत है। तो आज भी हम इसी पे गौर करें, संसार सारा विचार करें, और समय रहते हुए ही अपने आप को संभालें, अपने आप को सही दिशा प्रदान करें। इस संसार में आया है तो इस जीवन के का कीमत डालें, इस मंजिल को पाए, आत्मा का उद्धार करें, और इस प्रकार से मुख उजला करें अपना। यही एक पैगाम इसी पे आधारित दिया जा रहा है। यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थनाएं ये की जा रही हैं कि दातार कृपा करे, सबको सुमति दे, सबको ऐसी जागृति प्रदान करे ताकि हर इंसान जो है वो इस अवस्था में ये आ जाए, ताकि ये संसार का वातावरण ये घुटन वाला वातावरण ना रहे, ये भय वाला वातावरण ना रहे,
जो हिंसा वाला वातावरण ना रहे, यहाँ पर अमन चैन वाला वातावरण हो, जहाँ प्यार के तराने हो, प्यार के नगमे हो, और इस तरह से सुकून ले पाए हर कोई, राहत महसूस कर पाए हर कोई, इस तरह की प्रार्थनाएं की जा रही हैं और इसी की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। तो दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और फिर से खुशी अपनी जाहिर करेगा, जो इस तरह से आपके इस समागम के पहले दिन दर्शन करके प्राप्त हो रही है। और कितना कितना उत्साह, जैसे कि दास ने आरंभ में जिक्र किया कि यहाँ पर हजारों हजारों मील का सफ़र तय करके इन दो महीनों के बाद फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेकों महापुरुष भक्तजन दूर देशों से, वो नवंबर के समागम पर भी उपस्थित थे, चाहे वो कनाडा, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूरोप, यूके, उन जगहों से नवंबर में भी आए थे। और आज इस समागम के ऊपर भी वो फिर से उनके दर्शन हो रहे हैं। वरना इंसान कितनी दफ़ा सोचता है कि केवल दो महीनों का वक्फा और हज़ारों मीलों का सफ़र, और उसमें माया भी खर्च होती है, खर्चे भी आते हैं, तो इस तरह से। लेकिन जैसे दास ने कहा कि जिनको लगन लगी होती है उनके कदम कभी रुकते नहीं हैं, सिमिलरली द टीम ऑफ डॉक्टर्स, द टीम ऑफ कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स, द सेम विद देम, सो मेनी फेसेस वी सॉ इन नवंबर इन दिल्ली, एंड टुडे वंस अगेन, जस्ट अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 60 days, less than 60 days, once again they have traveled from America, from Australia and various countries, so many countries from where they traveled, and they are healing those who are in pain. So such steps are always welcome, and we should always appreciate those who are working to give relief to others and to minimize the pains we have, whether physical or mental or psychological, whatever form the pains we are suffering from. Whosoever works to reduce those pains, he should always be praised, and we should have always should have regards in our hearts for all those who are working for such a noble cause. So these few words I will conclude, because we already have reached the time which was set for conclusion. So praying to Nankar, that may Nankar bless, that like today, tomorrow also we have blissful moments, and we enjoy each moment in the company of saints. Sa Sangha Ji, Dhanankar.